आपको बाबू तथागत समर्थ एक बात हमेशा ध्यान रखना है। कौन सी बात बाबू? कि जिंदगी में जब भी प्लस माइनस आएंगे तो क्या करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्लास है इसका? क्लास है सर, क्लास है। हम तो डिस्ट्री में है, मोबाइल है ना। अच्छा, अच्छा हाँ सर, वीडियो रहता है जैसे। हाँ हाँ सर, हाँ सर भेज देते हैं सर, हाँ सर भेजते हैं सर। हाँ सर, सर, मेरा भाई कुछ पूछ रहा हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बोला तो देखो क्या बाबू, कि आपको बाबू अभी हम सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, तो कैसा टाइप का सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं सर? जब डिनोमिनेटर में सेम रहेगा तब फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाला, शांति सुनना, जैसे 7/5 है तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? निश्चल, न्यूमरेटर कहते हैं, बच्चा की तरह है ना। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहेंगे है ना। तो वैसा फ्रैक्शन बोला, जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? तो सिंपल है सर, कैसे करोगे? ऐसे करोगे, एक लक्ष्मण रेखा खींचना है। लक्ष्मण रेखा तो सारे बच्चे मेरे जानते हैं। वहां सर नीचे 4/4 है तो क्या लिखना? 4 लिखना, और ऊपर वाले को डायरेक्ट तब राइट कर देना 70, 70 माइनस माइनस, और ये 8 है तो 8 लिखेंगे। अब ये आपकी मम्मी ने सिखाई है बाबू? 17 - 8 में सिखाई बचपन में? हाँ सर, ये तो सिखाई भी की थी। तो 17 - 8 कितना होता है? 9 होता है बटा 4। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा ना तो आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिनोम अलग रहेगा तो सर, तो उसका हम लोग सीखेंगे पहले बच्चा बच्चा, ठीक सर ना। नेक्स्ट बोला आगे बाबू, आई सर 97 डिवाइडेड बाई 17 और माइनस 90, मान लो 8 है डिवाइडेड बाई 70 है, तो डर जाएगा ना। चल भोला तथागत बाबू, कौन डरेगा? कोई नहीं डरेगा। कैसे करोगे भोला? है ना, डिनोमिनेटर सेम है। होमवर्क बाबू निश्चल आप गलत किए थे, 17 17 17 लिख देंगे, हो गया। ऊपर में 97 है, 97 लिखेंगे माइनस, ये 98 है, 98 लिखेंगे। अब 97 में बाबू 98 घटाने हैं सर, ये तो हमारा से नहीं होता है, बताओ निश्चल। कोई नहीं बोलेगा बाबू, 97 - 98 कितना होगा निश्चल, बताइए तो भोला। कोई नहीं बोलेगा बाबू, वन वन ऐसे तो आसान। -1 हल्ला क्यों करते जी? जिसे पूछते वो उसी को ना बोल दीजिएगा जी। जी ये सब -1 ऐसे तो सर समझ लो। लिखते हैं क्या? सर लिखते देखो बाबू निश्चल, किसी भी नंबर क्या? नहीं, किसी भी नंबर के आगे कुछ नहीं है बाबू, तो क्या होता है? प्लस होता है। किसी नंबर के आगे कुछ नहीं दिख है ना, ठीक, प्लस होता है बाबू मेरे। तो अब आपको क्या है, एक प्लस वाला सिंबल, एक माइनस वाला सिंबल है ना, तो कैसे घटाओगे? जब भी जिंदगी में प्लस माइनस दिखाई देगा ना, तो बड़ा में छोटा घटाना। 98 ऊपर है सर, 97 नीचे है। अब इसको नहीं। 8 में से 0 ना, तो कितना होगा? 1 हो जाएगा, 1। वाला साइन देखना है, क्या देखना है? बड़ा वाला साइन। बड़ा वाला नंबर कौन सा है बाबू? बड़े वाले है ना, बड़ा वाला नंबर क्या है? 98 है, तो माइनस है, तो हम लोग क्या देंगे? माइनस देंगे। क्या देंगे? माइनस देंगे ना। तो जब भी जिंदगी में बाबू समृद्ध भोला एगो प्लस एगो माइनस दिखाई दे, तो क्या कीजिए? जब भी जिंदगी में बाबू एगो प्लस एगो माइनस दिखाई दे बाबू, हमेशा क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना। और साइन क्या देना? बड़का नंबर के आगे जो साइन रहेगा वही देना बस। बड़ा नंबर 98 के आगे माइनस है, माइनस देंगे। नहीं समझ में आया तो बच्चा बच्चा तो कर लेगा, आगे ये सब बहुत हम लोग पढ़ेंगे। जैसे भोला मान लो बाबू,
वन टू थ्री बट्टा कितना हो गया 90 हो गया। अब वन टू है ना, वन टू जीरो या 1913 है ना, 119 अब बट्टा 19 हो गया। ठीक ठीक सर, तो डर जाएगा, काहेला डरेगा। डिनोमिनेटर पहले आंख ऐसे खोलना और देखना डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। हाँ सर, डिनोमिनेटर तो सेम है ना। ठीक सर, अब डिनोमिनेटर सेम है बाबू, तो क्या करना है ना। डिनोमिनेटर सेम है सर। हाँ सर, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 90 90 90 दे देंगे, हो गया 90 90 90 लिख देना। अब क्या करना, वन टू थ्री और माइनस वन 119 है, तो किसी भी नंबर का आगे कुछ नहीं होता, प्लस होता है। तो वही कंसेप्ट लगाना, जब भी बाबू एक प्लस वाला नंबर एक माइनस वाला नंबर दिखाई दे दे तो हमेशा क्या करना, आदित्य स्वरूप सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बड़े में से छोटा करेंगे। बड़ा कौन है सर, 123 माइनस 119, तो 123 में 119 करेंगे भोला मेरा, तो 13 में बाबू 9 जाएगा कितना 4, 1 में 1 0 और ये 0 कितना हो गया 0 0 4 हो गया है ना। ठीक से नेक्स्ट बाबू, नीचे क्या है सर, 9 है, 19 है तो 19 लिखेगा। जीरो किसी नंबर के आगे लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर के आगे जीरो लिखे चाहे नहीं लिखे तो नहीं लिखा जाता, अच्छा नहीं लगता। साइन क्या होगा सोचो, बड़का नंबर कौन है सर, 1 2 3 है, इसके आगे क्या प्लस है, तो क्या देंगे प्लस देंगे, हो गया है ना, बात खत्म, मामला हजम। 2 5 6 0 2 5 6 अगर मान लो बाबू 1793 अब बटा बाबू 123 है ना, 127 कर लेते हैं माइनस 1080 और डिवाइडेड बाई 127, तो डर जाओगे, नहीं डरोगे। कैसे नहीं डरोगे, काहेले डरोगे, कोई नहीं डरेगा। देखो कैसे करोगे जी, डिनोमिनेटर सेम है सर। हाँ सर, तो डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे कितना 127 है, 127 लिखेंगे, हो गया। ठीक, आगे अब क्या करना है, ऊपर वाला जो नंबर है उसको लिख दो आदित्य स्वरूप, 1793 माइनस बाबू 1080, हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करोगे सोचो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1793 में 108 को सब्ट्रैक्ट करो। अभी ये बच्चा बच्चा है, अभी ये बच्चा बच्चा, अभी इसमें बाबू निश्चल और तथागत और बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, अभी छोटा छोटा सीखेंगे और बड़ा बड़ा करेंगे। क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया 713 बटा 127 हो गया है ना। हाँ सर, लिखिए भोला मेरा तथागत बाबू, साइन प्लस की माइनस सर, बड़ा नंबर का आगे नहीं कुछ साइन है, प्लस है, अरे बड़ा नंबर ये इसका आगे नहीं कुछ है, प्लस है, तो प्लस हम लोग दे भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। लिखिए बाबू निश्चल, संस्कार क्या हल्ला कर रहे हो जी,
जल्दी लिखो, मन से पढ़ना है। चल बोला तथागत बाबू, कहाँ गया मेरा तथागत? है जी, आधा बच्चा आज नहीं है जी, कल तो बाबू आधा आधा साफ हो जाएगा जी, ये सब शैतान। लिखे तथागत, फेस्टिवल में यही होता भोला, है ना। एक दिन का दिवाली था भोला, 4 दिन ही सब छुट्टी मारेगा। दुख के बात हो, इसके बाद तुरंत बाद छठ है ना, जो आपका पटना साइड बिहार साइड के उनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल, साउथ वाले के लिए तो नहीं है भोला उतना। जल्दी लिखो बाबू, बोलिए भोला। हाँ बाबू, हाँ जी बोलो ना जी, तथागत। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो बाबू, तो ये नॉर्मल क्या सर सब्ट्रैक्शन है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, ये नॉर्मल क्या है सब्ट्रैक्शन है। तो जिंदगी में जब भी बाबू डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये तो मेरा सारा बच्चा जानता है ना कि नहीं। दुख के बात भोला, अगर बाबू ऐसा वाला दे दे, इस समय तो कर देगा, लेकिन ऐसा दे दे कैसा दे दे, ऐसा दे दे कैसा, जैसे मान लो -5/7 आप +2/7, अब बच्चा गड़बड़ करना शुरू। कोई नहीं गड़बड़ करेगा, काहे करेगा, संस्कार जैसे किए थे उसी तरह से करना है। एक लक्ष्मण रेखा खींचना है, आ सेवन सेवन है तो नीचे सेवन लिखना है, फिर यहाँ -5 है तो -5 लिखना है, +2 है +2 लिखना है ना। अब -5 +2 आपको हम बहुत बताएं, बताते बताते बहु मेरा वजन हल्का हो गया, इतना बार बताएं कि नहीं। -5 +2 तो सब बच्चा को बताएं, हमारा नहीं बताएं, नहीं बताएं तो सुनो। जब भी बाबू आपके लाइफ में भोला तथागत, बाबू क्या बोलते हैं निश्चल, प्लस माइनस दिखाई दे ना, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना। कैसे करोगे? बड़ा वाला नंबर 5 है, इसको ऊपर लिखना, छोटा वाला नीचे, इसको नीचे लिखना। सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, हो गया। प्लस माइनस दिखाई दे तो इसमें अभी बहुत सारा टाइप चलेगा। बड़ा वाला, अब साइन पुट करना, तो बड़ा वाला नंबर देखो, ग्रेटर नंबर, विच वन इज द ग्रेटर नंबर, 5, और 5 के आगे साइन क्या है? माइनस है, तो आपको माइनस पुट करना, -7। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से देखो क्या है, यही क्वेश्चन ऐसे रह जाए, 2/7 आप प्लस बाबू 5/7, नहीं हो सकता है, बताओ काहे नहीं हो सकता है, कैसे करोगे? एक लक्ष्मण रेखा खींचना है, 7 लिखना है, फिर 7/7 हो गया, ऊपर में -2 है, -2 लिखना है, या +5 लिखना है। -2 + 5 कितना? तो अभी आपको याद करवाएं, जब भी आपके लाइफ में निश्चल, क्या लिख रहे बोला, जब लाइफ में निश्चल बाबू प्लस माइनस दिखाई दे तो क्या करना? हमेशा सब्ट्रैक्ट करना। कैसे करोगे? 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे किए 3/7। साइन क्या होगा सोचो, बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर 5 है ना। हाँ सर, इसके आगे क्या प्लस है, तो क्या पुट करेंगे? प्लस पुट करेंगे, हो गया। नेक्स्ट, जिसको नहीं आया समझ में फिर शांति से सुनेगा है ना। नेक्स्ट बोला,
ऐसा कभी नहीं होता है भोला और भोली, जैसे बाबू क्या सर 10/11 माइनस 12/11 डर जाएगा। नहीं डरना है, पहले आँख खोल के देख लेना, है ना, डिनोमिनेटर सेम है ना आश्रम, तो डिनोमिनेटर सेम है तो लक्ष्मण रेखा खींचो और नीचे 11 लिखो, क्या सूर बन गया सर। डिनोमिनेटर सेम रहेगा निश्चल तखादर, तो एक लक्ष्मण रेखा खींचना है और नीचे 11 लिखना है, जो 11/11 है ना। अरे मैंने ऐसे मतलब आपको याद करने, लक्ष्मण रेखा नहीं है जी, ठीक है ना, ये आपको याद करने के लिए बोलते हैं बाबू, है ना, कि याद हो जाए, है ना, कि इसको लक्ष्मण रेखा थोड़ी कहते हैं, ये ना कि बैठा लेना दिमाग में लक्ष्मण रेखा कहते, लक्ष्मण तो लक्ष्मण जी खींचे थे जो था बाबू, है ना, ये नॉर्मल लाइन डिविजन लाइन है, है ना, ठीक है ना, ठीक बोला आप लोग बाबू। ये चीटी वगैरह मारने के लिए देखिएगा लक्ष्मण रेखा आता, अभी आपको दिखा देते लक्ष्मण रेखा, है ना। हिंदी पढ़ने आता है जी बाबू निश्चल कि नहीं आता बोला, अच्छा ठीक है भावना। अब एक बाबू एक लाइन ड्रा करो, नीचे 11/11/11 लिख देना, ऊपर में क्या है 10 है, अब माइनस 12 है, अब 10 - 12 कितना होगा। आए सर हम तो पढ़े नहीं किए, अरे शैतान मेरे भोला, किसी नंबर का आगे कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस माइनस, आपके जिंदगी में जब भी माइनस प्लस दिखाई देगा ऋषि नयन हमेशा सब ट्राइट करना, कैसे करोगे 12 में 10 जाएगा कितना 2, नीचे 11 साइन बड़ा नंबर ये, इसके आगे माइनस है माइनस पुट करें, अबड़ी गलत किया अनुभव तो मार डंटा बाबू पीट देंगे शैतान, इसको इतना दिन से पढ़ा रहे प्लस माइनस का कंसेप्ट क्लियर ना हुआ। 35/17 - 41/17 कैसे करोगे ऐसे करोगे, कैसे करोगे ऐसे करोगे, सबसे पहले बच्चा मेरा क्या करेगा एक लक्ष्मण रेखा खींचेगा, उसके नीचे क्या लिखेगा 17 लिखेगा, हो गया है ना समृद्ध। अब क्या करना 35 है समृद्ध, 35 करेंगे माइनस समृद्ध 41 है 41 करेंगे, हो गया। अब किसी नंबर के आगे कुछ नहीं है मतलब क्या प्लस है, किसी भी नंबर के आगे कुछ नहीं है मतलब क्या प्लस है, हो गया। अब प्लस 35 - 41 कितना आता बताइए, कि जब भी आपको प्लस माइनस दिखाई दे हमेशा सबट्रैक्ट करना, तब 41 में 35 सबट्रैक्ट करो, 41 में 35 सबट्रैक्ट कीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा -16/17 है ना, घटाने के बाद 16 आ गया सर, बड़ा नंबर कौन है 41 है, 40 आगे के माइनस है तो क्या पुट करेंगे माइनस पुट करेंगे, लिखो लिखे बाबू लक्ष्मण रेखा दिखाते हैं जी, ऋषि नयन उधर क्या देख रहा है जी, देखो आदित्य स्वरूप सबसे लास्ट वाला जी, हाँ बाबू 6 होगा बोला, क्या होगा 6 होगा, चलो देखो बोला मेरा यही बाबू लक्ष्मण रेखा दिख रहा है जी, हिंदी पढ़ने आता है जी, पढ़िए आप लोग क्या है लक्ष्मण रेखा हस्ती क्या मनीषा है, ये तो बोली यही ना लक्ष्मण रेखा बाबू, है ना, कॉकरोच चींटी को मारने के लिए लक्ष्मण रेखा, हिंदी पढ़िएगा, देखो हिंदी पढ़ो जी मनीषा, लक्ष्मण रेखा आप लोग देखे बोला तो यही लक्ष्मण रेखा निश्चल, हिंदी आता है निश्चल कि नहीं आता बाबू निश्चल, आता है सर, पढ़ने आता है हिंदी बाबू, हाँ सर, यस सर, ये क्या लिखा हुआ आता है ये वाली लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा,
मैंने लक्ष्मण देखा, बहुत पहले से देखा है, मैंने घर पे है भी नहीं। करता नहीं है और तो सर, फिर बेटी को क्या होगा? अब लक्ष्मण रेखा मत देखो, अब इसको देखो, ठीक है ना? बहुत देख लिया लक्ष्मण रेखा, अब इसको बोर्ड को देखो। कंप्लीट नहीं हुआ सर, और बाकी है सर। सर तब सब सब कंप्लीट सर सही से नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, अभी सर लिखिए। लक्ष्मण देखा देखा है, मेरे घर पे भी लक्ष्मण देखा है। अब लक्ष्मण रेखा को नहीं देखा, ठीक है ना? अब पढ़ाई को देखो, जो नहीं सर था वो अपना मम्मी से मांग के देखिएगा। इस सब लक्ष्मण रेखा को नहीं देखा। मैं देख रहा हूँ सर, बोर्ड पर लिखा हूँ, मैं रखा भी है उसी रूम में। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैं कुछ दिखा दू। अच्छा ठीक, लक्ष्मण रेखा क्यों नाम रखा गया है? लक्ष्मण रेखा सर क्लास खत्म हो गया सर, मैं इतना इतने कम रखे होंगे क्योंकि जो लक्ष्मण रेखा के बाहर होता वो होता है रावण, जो लक्ष्मण रेखा के अंदर होता है वो होते है सीता मैया। सर ये लक्ष्मण रेखा का धार वो जो रावण जी उसमें लगाए तो जल गए, लेकिन सीता माता को कुछ हुआ नहीं, बस उसे धार ना। चलो बाबू बाबू, आगे हम अनुभव बोला ए अनुभव मोबाइल घुमा बाबू, हाथ में क्यों लिए हो रहे थे बाबू? अनुभव शैतान हो गया इसको लिखिए ना जी, भी आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ। स्वरूप बोला अभी हम लोग पढ़ेंगे बाबू। इतना सर, क्या पढ़ेंगे सर अभी? अच्छा देखो 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 देखो, देख क्या देखेंगे सर? प्रिंस चलिए सारे बच्चे लिख लिए, लिखो प्रिंस। अब आप देखो तैयार होगा प्रिंस, पापा जी से बात कैसे होगा जी? लगता आपका है आवाज कट कट क्या रही सर? अच्छा ठीक। संडे को बोला मेरा, जल्दी लिखो, दो चार को गार्जियन से बात करते बाबू, जैसा होगा तो जाके जो भी औरंगाबाद वाला बाबू। देखो देखो भोला, पूरा बाबू प्रिंस लिखा हुआ रहना चाहिए। 261 नंबर, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। क्या है भोला, कैसे करेंगे बाबू मेरे? ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। भी जिंदगी में बाबू आपको अगर ऐसे दे दे -17/9 और प्लस बाबू है ना 20/, तो डर जाएगा। 29/9 दे दे, डर जाएगा। कौन डरेगा? कोई नहीं डरेगा, डिनोमिनेटर सेम है ना। हाँ सर, तो लक्ष्मण रेखा खींचो, 9 लिखो, -17 है लिखो और +29 करो। और 29 में 70, एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर सबट्रैक्ट करना है, तो 29 में बाबू 17 सबट्रैक्ट करेंगे, 2 होगा, 1 होगा, 12 होगा संस्कार। साइन क्या सा होगा? सबसे बड़ा दिक्कत होता अनुभव साइन का, साइन प्लस होगा कि माइनस होगा? सोचो तब बड़ा नंबर देखो, सोचो देखो, ये बड़ा नंबर इसके आगे साइन प्लस, तो क्या देंगे? प्लस देंगे, बताओ। 262 है, देखो देखो क्या ये मैथ है, इजी से भी आसान है। नेक्स्ट भोला, भर के झोला, आगे आगे।
जैसे क्या बाबू, माइनस बाबू 37 बट्टा बोला 23 और प्लस 27 बट्टा 23 तो डर जाएगा, कोई नहीं डरेगा। क्या करना है, एक लक्ष्मण रेखा ड्रा करना, 23 23 23 लिख देना, हो गया है ना? ठीक सर, अब ये 23 हो गया, ऊपर में क्या 37 है, तो माइनस 37 है, माइनस लिख दिए, प्लस 27 हो गया कि नहीं? ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, अब आपको जिंदगी वाला बात याद करना, आपके जिंदगी में जब भी प्लस माइनस दिखाई दे समर्थ, क्या दिखाई दे समर्थ बोला, प्लस माइनस, और नहीं अभी लिखल रहा समर्थ बाबू तो फिर आएंगे बोला, अभी तो कूट कूट देंगे है ना समर्थ, अभी छोड़ेंगे जी। जब भी जिंदगी में प्लस माइनस दिखाई दे बाबू तो सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करोगे है ना, कैसे करोगे समर्थ, माइनस ही प्लस है बड़ा में छोटा, तो 37 और 27 सब ट्राइड करोगे बोला, तो ही तो बचपन में पढ़े किए 77 110 क्या होता, 10 बटा 23 होगा। अब साइन देना, प्लस होगा कि माइनस होगा, सोचो 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 प्लस कि माइनस, बड़े का नंबर देखेंगे, बड़ा नंबर 37, आगे माइनस है तो माइनस देंगे, तो कुछ करना है, जिसको नहीं समझ में आया फिर समझना, तो कितना हूँ बड़ा नंबर क्यों नहीं दे दे जी, 97 बटा बाबू है ना 23 और प्लस 87 या बाबू मान लो 99 कर दो बटा 23, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ऐसी करोगे एक लक्ष्मण रेखा खींचो, नीचे 23 है 23 लिखो कि माइनस है ना, माइनस 97 करो प्लस 99 करो, 97 99 कितना, सोचो 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 कितना, एक जिंदगी में जब भी प्लस माइनस दिखाई दे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपके लाइफ में जब भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन आए सब्ट्रैक्ट करना, 99 में 97 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बटा 23, साइन प्लस की माइनस, सोचो 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 सोचो, बड़ा नंबर साइन के लिए हमेशा ऑलवेज बड़ा नंबर, बड़ा नंबर 99 है, एक आगे प्लस है, 99 के आगे क्या है प्लस है, तो क्या पुट करेंगे, प्लस पुट करेंगे है ना। ठीक सर, नाउ यू हैव टू राइट डाउन, लिखे तो तागा था बाबू, देखो तो मेरा समृद्ध बाबू भी पढ़ रहा है समर्थ समृद्ध, अब समृद्ध भी धीरे धीरे तेज हो जाएगा। अब मेरा शिवराज कहाँ गया है, शिवराज ऊपर ही क्लास चल रहा है जी, लिखे शिवराज, सब बच्चा तेज हो जाएगा जी, अभी जो नहीं आया उसका हिसाब किताब कुटाई उसको। लिखो लिखो ईशानी, ईशानी को धीरे धीरे देखो धनु धनु करके तेज हो जाएगी, मेरा सब बच्चा तेज हो जाएगा, बात कीजिएगा आप लोग किसी से भोला, ऋषि नयन भी धीरे धीरे तेज हो जाएगा। अभी सानी का भी क्लास बढ़ा देंगे, नहीं तो शाम को 8 से 9 बुला लेंगे, समझ जाएगी धीरे धीरे, एक आध दिन डेमो क्लास उसको, टेबल 20 तक याद कर लेना है सानी, आप लोग का अभी अनम्यूट नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चे का एक्स्ट्रा क्लास लगेगा बोला, जैसे तथागत हो गया, निश्चल हो गए, ईशानी हो गया, ये सबका एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, टाइम बताएंगे, छठ में छुट्टी उट्टी रहेगा ना जी, आई संडे तो लगता है इंग्लिश वाले सर आएंगे नहीं बोला, देखेंगे बात करके, तो सर तो बच्चा छठ में ही बिजी है,
लिखिए 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 जल्दी लिखिए 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 जल्दी लिखिए। लिखो अयोध्या सिन्हा समर्थ। चलो सब बच्चा लिख लिया। हाँ सर लिख तो लिए सर, लिख लिया अनुभव। हाँ सर ये बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना बाबू, तो मजा आएगा पढ़े में फिर। 264 करो बाबू छू मंतर काली कलंतर। -1 2 3 बटा 97 +1 2 9 बटा 97 6 5। ये है डू आई डी आई बाई डू इट योर सेल्फ, ना लेना है मम्मी पापा का हेल्प, है ना। और नहीं लेंगे हेल्प। डू इट योर सेल्फ, नहीं लीजिए मम्मी पापा का हेल्प, समझे सानी। डू इट योर सेल्फ, ना लेना है अनुष्का का हेल्प। हाँ सर ये तो अच्छी बात है। 3 क्वेश्चन अभी कर लो। ये इसलिए दिए बोला कि देखते हैं बाबू कुछ बच्चे को आता है, ये बोला ऑलरेडी हम बता चुके सारे बच्चे को, एक निश्चल को नहीं बताए, तो बनाओ बाबू, नहीं आएगा निश्चल तो फिर बताएंगे। बताइए सम बनाइए समर्थ बाबू, अभी सारा बच्चा बना लेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले बना लेगा। 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी बना प्रिंस बाबू, अभी बना लीजिए सारे बच्चे, आफ्टर देन यू हैव टू गो। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व इट एंड सेंड मी बाबू, सोल्व कीजिए सेंड कीजिए, उसके बाद जाइएगा।